जनपद रायबरेली में भैंसा व्यापार के ऊपर जोरदार औजार से हुआ हमला, हालत हुई गंभीर। परछवा रायबरेली के परछवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रानीखेड़ा मजरा रामावा में भैंसे खरीदने के भैंसा व्यापारी पर युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस ने अपने घायल व्यापारी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरछावा पहुंचाया गया। इलाज के बाद उसे जिला अस्पताल रायबरेली रिफर कर दिया गया। आनफान में पुलिस गांव में तलाश शुरू की और हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। उदित हुआ बरछावा थाना क्षेत्र के दुलंडा गांव के रहने वाला इब्राहिम पुत्र ललन कुरैशी उम्र 40 वर्ष जानवर खरीदने व बेचने का काम करता था। थाना क्षेत्र के रानी खेड़ा में मजरा राजा मऊ गांव में रहने वाले रोहित कुमार पुत्र राम रजीवन इब्राहिम भैंस खरीदने के लिए बुलाया गया था। सुबह लगभग 9 बजे वो भैंस खरीदने के लिए रोहित के पास पहुंचा तो रोहित ने भैंस देखने के लिए उससे कहा कि चलो खेत में भैंस थी। तभी गांव के से बाहर कुछ ही दूर पर उसे इब्राहिम के ऊपर बांके से हमला कर दिया, जिससे इब्राहिम गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को तड़पता छोड़कर हमलावर रोहित मौके से फरार हो गया। लोगों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घायल इब्राहिम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरछावा पहुंचाया गया, जहां हालत गंभीर होने से उसे जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर दिया गया। हल्का इंचार्ज अनिल यादव ने बताया कि व्यापारी इब्राहिम लगभग एक सप्ताह पूर्व रोहित की भैंसी खरीदने के लिए आया था, तभी दोनों के बीच विवाद हो गया था। उसे विवाद के चलते पुनः रोहित ने इब्राहिम को भैंस बेचने के मकसद से बुलाया और उसे हमला कर घायल कर दिया। आरोपी मुताबिक ने बताया कि एक सप्ताह पहले उसे मुझे फोन पर गालियां दी जा रही थी, सरासर गालियां भी, उसके बाद मैंने ये कदम उठाया। आरोपी को हिरासत में लेकर बांका में भी बरामद कर लिया गया है और हत्या का प्रयास का मुकदमा पंजीकृत जेल भेज दिया गया है। मोनू सिंह की खास रिपोर्ट। तो मत फोटो खींचो भैया, आप लोग फोटो मत खींचो, पत्रकार खींच रहे बहुत। अच्छा भैया,